अबर आजम को एज अ कैप्टन कहाँ रेट करते हैं आप? बाबर से गलतियां हुई हैं, कहीं कहीं पे कुछ डिसीजन मेकिंग में गलतियां होती हैं, बट दैट इज ऑल कम्स विद द टाइम एंड दैट ऑल यू लर्न विद द एक्सपीरियंसेस। अभी भी कुछ चीजें जो है वो सीखनी पड़ेंगी और वो वक्त के साथ साथ उसको आएंगी। मिस कामी भाई इज अ ग्रेट रोल मॉडल प्रोबेबली। PSL में वाप भाई मोस्ट विकेट टेकर हैं थ्रू आउट, आप इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं पहले बॉलर हैं जिसकी 100 से ज़ायद विकेट्स हैं। PSL 8 को किस तरीके से आप देख रहे हैं और क्या कुछ प्लान किए हैं कि किस तरीके से अपने आपकी जो परफॉर्मेंस है आपकी उसको कंटिन्यू रखा जाए? ठीक है, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि मेरे पास ये भी एजाज है कि जो आपकी अपनी लीग है उसका एक फास्ट बॉलर होना और उसके 100+ आउट होने का, आई थिंक अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि उधर मेरी परफॉर्मेंसेज बढ़ी हैं, 100 से ज़्यादा आउट किए हैं 7 सीजन में, दैट शोज के कितनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज रही हैं। और दिस इज़ अनदर ईयर और इंशाल्लाह इस साल भी यही कोशिश होगी कि अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस दूँ पेशावर ज़िंदगी के लिए और कोशिश करूँ कि मैं जो बेहतर कर सकता हूँ उनके लिए, जो मेरे से डिमांड है, जो जो गलतियाँ कोताहियाँ कमियाँ जो पिछले सीज़न में रह गई वो इस सीज़न में ना रहें और फ्रंट से लीड करूं और प्रॉबेबली कोशिश करूं कि जो पेशावर है उसको चैंपियन बनाए हम लोग। तो दैट इज़ माय एम, दैट इज़ माय गोल। और चलिए आपको तो पता है मेरे 100 से प्लस ज़्यादा आउट है, लेकिन ये भी लैपटॉप पे आया था कि मेरी परफॉर्मेंसेस कोई नहीं PSL में, और आपको पता उन्होंने लड़कों की कैटेगरीज भी डाउन कर दी थी, तो दैट शोज़ द डिफरेंस के कैलिपर क्या था। हमने जैसे देखा पेशावर ज़ल्मी में कैप्टनसी चेंज आया है, अब बाबर आजम की कैप्टनसी में आप सारे खेलेंगे, तो बाबर आजम को एज अ कैप्टन कहाँ रेट करते हैं आप? देखिए इट्स अ गुड साइन फॉर मी, अगर आप मेरे से इंडिविजुअली पूछें कि पाकिस्तान टीम का जो कैप्टन है वो अब आपका पेशावर ज़ल्मी का कैप्टन होगा, एंड दैट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड फॉर ऑल द यंगस्टर्स जो उधर खेल रहे हैं टीम में, कि इट्स टाइम टू शो कि पाकिस्तान का कप्तान आपकी टीम का कप्तान है एंड यू कैन शो देम दैट what are you capable of. So I think that is a very positive sign for all the Peshawar Zalmi players. Aur dusra ye cheez hai ki ek azaz ki baat hai ki Peshawar Zalmi ke paas ab aisa kaptan hai jo Pakistan ke kaptan hai aur Pakistan ka number world ka number one player hai. So I think ki ye in cheezon ko is tarike se positive lena chahiye. Aur for me I think Babar theek hai, I felt के कहीं कहीं पे बाबर से गलतियाँ हुई हैं, कहीं कहीं पे कुछ डिसीजन मेकिंग में गलतियाँ होती हैं, बट दैट इज़ ऑल कम्स विद द टाइम एंड दैट ऑल यू लर्न विद द एक्सपीरियंसेस। सो आई थिंक उसका आना, वो कराची किंग से भी उसने सिर्फ एक साल कप्तानी किया, अभी यहाँ से आके वो कप्तानी करेंगे, तो आई प्रॉबली ही इज़ अ कैप्टन जिसने एक सेमीफाइनल एक फाइनल खेला हुआ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को पहुँचाया हुआ, सो हाउ प्रॉबली हिज माइंड शुड बी देयर, बट आई थिंक देयर इज स्टिल फॉर मी आई थिंक उसको अभी भी कुछ चीज़ें जो है वो सीखनी पड़ेंगी और वो वक्त के साथ साथ उसको आएंगी। PSL के पहले सीज़न से अब तक आप पेशावर ज़ल्मी का पार्ट रहे हैं, तो कौन सी ऐसी मेमोरी है PSL की पेशावर ज़ल्मी की जो आप नहीं भूल सकते और वो आपके लिए सबसे स्पेशल है? आई थिंक PSL का स्पेशल मोमेंट था जब हम लोग चैंपियंस बने और दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स आई हैड इन PSL, और कोशिश यही है कि जी हम इस साल भी वही रिपीट करें। आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट मेमोरीज। अच्छा लास्ट में बस एक चीज़ रह गई है कामरान अकमल के हवाले से, कामरान भाई आपके साथ शुरू से ही एसोसिएट हैं, इस दफ़ा वो नहीं है तो क्या उनकी कमी महसूस होगी ज़ल्मी के स्क्वाड में? ऑब्वियसली आई विल मिस कामी भाई, कामी भाई इज़ अ ग्रेट ग्रेट रोल मॉडल प्रोबेबली, आई थिंक ही इज़ अ फिटनेस फ्रीक और मेरा ख्याल है जितना ही इज़ अ कमिटेड पर्सन टू हिज क्रिकेट, आई थिंक आई हैव सीन वेरी फ्यू पीपल लाइक दैट, और उनका ना होना ड्रेसिंग रूम में या उनके साथ ना खेलना प्रॉब्ली आई विल मिस, बिकॉज मैंने बहुत सी क्रिकेट उनके साथ खेली है जब से मैं बड़ा हुआ, वो भी लाहौर से थे, मैं भी लाहौर से था, उनकी कप्तानी में मैंने बहुत खेला। चले थैंक यू सो मच वहाब भाई आपके वक्त का, और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से BPL में आप परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं PSL में भी आप उसी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करेंगे। तो इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए जियो सुपर के प्लेटफॉर्म से, अल्लाह हाफिज़।